सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जिसको कहा जाता है, ऐसे पुणे के सभी लोगों को गुजरात का वंदन। लास्ट प्लेयर, लंबी पारी खेलनी थी लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। जितना एसेंशियल है, जितना बहुत इम्पोर्टेंट है, उतनी चीज़ें मुझे बतानी है। सी, यूपीएससी हो या मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास वन, गुजरात में रैंक 34 था, यूपीएससी क्लियर किया रैंक 570, आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज, एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार है, यू आर वेरी लकी। आई टेल देम इन रिवर्स, लक फेवर्स द ब्रेव। कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू, उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल, तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था, 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माय राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं, मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। बोला मेरे पास ऑप्शन है, बोलता क्या, बोला देख सामने ATM का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है। अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना
चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारतवर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा सॉरी राजा धनानंद की डॉटर दुर्धरा से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है, आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए आईपीएस बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी, मेक श्योर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस एनीथिंग विच विल टेक यू टू योर गोल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है, यार दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। मैंने जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं, 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा, 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट relieved from the hospital, 16th of March को मैं दिल्ली पहुंचा, और 23rd of March को I gave my UPSC interview. So, 1 महीने का hospitalization. उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू और पूरे इंडिया में 2nd highest मार्क्स इन इंटरव्यू। This is not to say कि मैंने कितना achievement लिया, this is just to say UPSC is all about this. मैंने कोई preparation नहीं की थी UPSC के लिए, interview के लिए, and again I scored good marks in interview because UPSC सिर्फ आपका knowledge check नहीं करता, make it very clear in your mind. जैसे सर ने बोला it's a game of wisdom. आपको पहले officer बनना पड़ेगा यहां से। यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज ए आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ू, इसमें क्या पढ़ू, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। लोग बोलते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है वो इसी डिरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, 3 NGO से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल, बिकॉज जो पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंटरोगेशन, इंटरव्यू को इंटरोगेशन लेके चलते हैं।
वहां पे पूछताछ होगी? नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजंस ऑफ दिस नेशन, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गोइंग टू कम एंड मीट यू, दीज थिंग्स आर बीइंग टेस्टेड ड्यूरिंग यूपीएससी इंटरव्यू। और इस सारी जर्नी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो दैट इज योर लर्निंग एटीट्यूड, और नॉट फॉर यूपीएससी, फॉर लाइफ इवन। बिकॉज व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिंदी एंड इंग्लिश, To be very clear, I belong to rural background of Gujarat, और मेरा स्टडी जो हुआ है वो पूरा गुजराती मीडियम में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में। 12th तक का स्टडी मेरा गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है, गुजराती बोर्ड में, गुजराती मीडियम में। एंड येट आई कैन गिव माई यूपीएससी इंटरव्यू इन इंग्लिश इन दिल्ली एंड स्कोर सच मार्क्स। वेर डिड इट कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये? मुझे अभी भी याद है मेरा कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत था, जहां पे मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सारे सीबीएसई आईसीएसई वाले थे, और मैं एज ए एलियन वहां पे पहुंचा था, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैकडी जैसा भी कुछ है और उसमें बर्गर जैसा भी कुछ मिलता है। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी मेट्रो सिटी। एंड जब मैं उनसे इंटरेक्शन करता था और इंग्लिश बोलने की ट्राई करता था, तो जैसे संजू मूवी में इंग्लिश दिखाया गया है गुजरातियों का, जो जीरो को जीरो बोलते हैं, उसी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट। मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। सो आई यूज टू स्पीक नोट्स एंड नॉट नोट्स, और डोर एंड नॉट डोर, और डोंट एंड नॉट डोंट। दे यूज टू मेक फन ऑफ मी, सफिन इट्स नॉट डोंट, इट्स डोंट। ओके फाइन, आई हैड टू ऑप्शंस, इधर आई स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश विद देम और इम्प्रूव ऑन दैट एंड गो अहेड। आई डिड डिसाइडेड द सेकेंड ऑप्शन। When I started my preparation of civil services, जो English medium में करनी थी, वाजीराम में मैंने coaching किया, जहाँ पे पूरा English medium में था, सारे subjects मेरे लिए नए थे। I started from the scratch, I started from the English medium NCERT of standard 5 and 6, Gujarati dictionary, Gujarati to English dictionary, and then I started my preparation. कभी कभी ऐसा होता था कि द हिंदू का पूरा editorial पढ़ लिया और उसके बाद I was like कि मैंने क्या पढ़ा। ये होगा, सबके साथ होगा। बट उस जगह अगर आप टिक गए, उस जगह अगर आपने पेशेंस रखा, उस जगह आपने अगर सर्वाइव कर दिया, तो इस एग्जाम में भी सर्वाइव कर जाओ। क्योंकि यूपीएससी की जो रेस है उसमें कभी भी कछुआ, कभी भी खरगोश नहीं जीतेगा, इसमें जीतने वाला ऑलवेज कछुआ ही होगा, जो स्लो बट स्टेडी रहेगा। लग जाते हैं 5 साल भी, लग जाते हैं 7 साल भी, लग जाते हैं 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए, लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। आप पढ़िए लोगों के इंटरव्यूज। मैंने क्या किया कॉलेज के 4 साल में, आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी टॉपर्स ऑन यूट्यूब, ईरा सिंगल से लेकर टीना डाबी मैम तक, सबकी इंटरव्यूज मैंने देखे। फॉर वॉट? जस्ट टू नो कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलतियां की थी जिससे इनको इतना टाइम लग गया, और मुझे कौन सी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं ना, वो जल्दी आगे आ जाता है, क्योंकि खुद सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए जिंदगी काफी छोटी है। आई डिड द सेम। 4 साल में हर एक टॉपर का इंटरव्यू देख लिया, चीजें समझ ली कि ऐसी कौन सी चीजें जो इन सब ने की है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गलतियां हैं जो इन्होंने की और जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। सो जब युद्ध के मैदान में हम उतरते हैं, इस चक्रव्यूह में उतरते हैं, तो अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की प्रिपरेशन के साथ उतरना है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे बाहर कैसे निकले।